जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से लेकर खाटू श्याम तक पदयात्रा के द्वारा जा रहे भाई मुकेश शर्मा के स्वागत की तैयारियों के लिए। सदर बाजार से होते हुए यह पदयात्रा निकल रही थी, जिसकी आपको झलकी हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय मेरा नाम सुभाष अग्रवाल दीपमाला। अभी जो ये पदयात्रा अपने मुकेश शर्मा जी के द्वारा निकाली जा रही है, ये हमारी पूरे समाज के लिए एक ऐसा विषय है जिसे हमें अपने पुराने धर्म के बारे में सब चीज़ों का पता चलता है। और ये अपने जो खाटू श्याम हैं, बाबा श्याम हैं, इनके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता है। ये सबको बताने के लिए एक बहुत बड़ा उनका कदम है। और ये जितनी मेहनत करते हैं इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, अपने सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, ये अपने आप में बहुत अहम बात है। धन्यवाद। श्रीचंद गुप्ता, बाबा खाटू श्याम जी की, मुकेश पहलवान जी के द्वारा हर वर्ष जो यात्रा निकाली जाती है, हर जगह बड़े बड़े भंडारे किए जाते हैं, जागरण किए जाते हैं, समाज में जागृति आए, धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और सेवा कार्य रहे। इस माध्यम से वो जो भंडारा लगाते हैं, गरीब लोगों को कुछ अन्न का दान मिले, तो ये जितने भी यात्राएं और सामाजिक कार्य हैं, ये लोगों के उत्थान के लिए सामाजिक, जिससे मतलब कि लोगों को धर्म के प्रति रुचि बढ़े। हमारा हिंदू धर्म, जैसे खाटू श्याम जी, एक वो चला था कि किशन जी के टाइम में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो बाबा बर्बरीक के नाम से इनको एक वरदान था कि तीन धनुष में ये पूरे हाथों को जिता सकते हैं। तो कृष्ण जी तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि ये युद्ध में आ गया तो धर्म अधर्म का नहीं, केवल जीतने के साइड में जाएगा। तो उन्होंने उसके शीश का दान मांगा, शीश का दान लिया। उसी हिसाब से उन्होंने बाद में जब युद्ध खत्म हुआ तो ये आशीर्वाद दिया कि भाई आप कलयुग में मेरे नाम से आपकी पूजा होगी। और वो प्रथा आज तक चल रही है। खाटू श्याम जी इसका विशेष धाम है और लगभग देश के विदेश से हर कोने से लाखों करोड़ों यात्री हर साल मंदिर जाते हैं, ताकि देश में जागृति रहे, हिंदू धर्म का प्रचार हो। मेरा नाम कल्पना गुप्ता, श्री श्याम परिवार महासंघ हरियाणा के अध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी पहलवान जी आज गुरुग्राम से खाटू जी पैदल पद यात्रा बाबा की लेके जा रहे हैं। बाबा श्याम उनके पूरे परिवार पर, उन पर अपनी पूरी कृपा बरसाएं और बहुत बहुत जिस भी जो भी उनकी मनोकामना है, वो जो अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो बाबा उनको दे। और ये हमारा पूरी टीम, श्री श्याम लाडली परिवार और श्री श्याम सहायता कोष की पूरी टीम यहाँ पे उनका स्वागत, उनका वेलकम, बाबा का आरती पूजन करने के लिए खड़ी हुई है। और पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। ये सदर बाजार से भाई मुकेश की यात्रा होते हुए और बाबा खाटू श्याम जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो सारी दुनिया जय श्री श्याम जय श्री श्याम करने ही लग जाएगी। और हमारा कहना ये है, ये अच्छे अच्छे धार्मिक काम करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को आगे संस्कृति बचाने का मौका मिले और ये सीख जाए। संतोष जी, जहाँ पर पैदल चलने की हम बात करते हैं, तो आजकल जो बच्चे हैं या युवा भी हैं, वो थोड़ी दूर भी पैदल जाना पसंद नहीं करते हैं, उनका शरीर जवाब देने लगता है। तो ऐसे में मुकेश जी की जो इतनी लंबी यात्रा होने वाली है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जी, इन बच्चों को भी ये सीख मिले और हमारा भी मन ये होता है कि सभी जाने और इस काम को करें, और चलने से आदमी स्वस्थ भी रहता है। और मेरा भी मन है, जहाँ तक मौका मिलेगा मैं भी पैदल यात्रा जाऊँगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
स्पेशल आशीर्वाद सब है। अरे भाई Thank you.